हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मेरा अभी ब्लॉग जो है 2 से 3 दिन के बीच में आ रहा है यार। वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम कम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू बना नहीं पा रहा हूँ यार। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो यार, मैं 2-3 दिन के अंदर एक ना एक वीडियो डालता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो हमको मौका ऐसा नहीं मिला दोस्तों, मैं काम करने के लिए जाता हूँ, तो नाइट में काम करता हूँ और दिन में थोड़ा सोता हूँ, इसलिए पूरी रात जगना पड़ता है। तो जब वहाँ से आता हूँ मैं काम करके, तो दोस्तों मैं 9 बजे घर पे पहुँचता हूँ। उसके बाद पूरा दिन मतलब दोस्तों 2-2.5-3 बजे तक सोता हूँ मैं, उसके बाद तभी दोस्तों काम कर पाऊँगा, नहीं तो अगर सोऊंगा नहीं तो दोस्तों मैं काम तो कर ही नहीं पाऊँगा, बीमार पड़ जाऊँगा। तो दोस्तों मैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा हमेशा। अभी थोड़ा इस वजह से दोस्तों दिक्कत है वीडियो बनाने में, तो किसी ना किसी तरह करके हम मैनेज कर रहे हैं, मतलब टाइम निकाल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, तो दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट भी कीजिएगा। तो मैं यार अभी बाग में बैठा हूँ, देख सकते हैं, तभी देख सकते हैं बागी में बैठे हैं, इसीलिए अभी आया था। देख सकते हैं वो भी घास वास जला के रखा हुआ है, महुआ के पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। अभी महुआ गिरने लगा हमारे यहाँ, तो ये बच्चे लोग आए थे ना घर के, ये सब देख सकते हैं वो जला के गए हैं। तो काहे कि साफ़ रहेगा ना, तो महुआ बिनने में अच्छा लगता है। तो अभी चारों तरफ बाग में जहाँ तक महुआ है ना, पूरा पेड़ के नीचे जलाया गया, घास पूरा एकदम पूरी तरह से साफ़ किया गया है, उसको फावड़ा से छील के, और वैसे भी मतलब आग जला के पूरा साफ़ किया गया है। अभी यहाँ बैठे हैं तो पैरा है, धान का पैरा है, तो यहाँ पे तो जलाया नहीं जाएगा, हटाया जाएगा, तो ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों यार हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा यार, और पूरा भी देखिए। दोस्तों आप लोग हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते हो ना तो वीडियो बनाने में एक नया जोश मिलता है, लेकिन आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते दोस्तों, इसलिए थोड़ा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, कि सपोर्ट नहीं हो रहा है ऑडियंस का। तो दोस्तों यार लाइक करो और कमेंट करो दोस्तों, ज़्यादा सब्सक्राइब भी किया करो यार। आप लोग कमेंट करते हो यार, और अगर दोस्तों सब्सक्राइब भी करते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, कि हाँ ऐसा लगता है कि हमारा सपोर्ट हो रहा है, व्यू जाता है तो अच्छा लगता है, सपोर्ट हो रहा है हमारा। लेकिन जब दोस्तों व्यू नहीं जाता ना, तो अच्छा नहीं लगता। हमको पता है थोड़ा बहुत वीडियो में गड़बड़ करते हैं, हम ठीक से वीडियो नहीं बना पाते, हमको मालूम है। लेकिन दोस्तों टाइम के हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब टाइम मिलता है उस हिसाब से वीडियो बना लेते हैं। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एनी टाइम मैं अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊँ। और अभी तो दोस्तों मैं घर पर ही हूँ, तो अभी घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, कहीं घर से बाहर जाऊँ तो दोस्तों मैं काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ लाऊँ। लेकिन हमारे गाँव में भी, गाँव के यार बगल में भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिलता, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी मैं दोस्तों कोशिश करूँगा, एनी टाइम कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा लाऊँ और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों अभी नवरात्रि का दिन भी चल रहा था, मेरे ख्याल से आज लास्ट है नवरात्रि के दिन। दोस्तों मैं एक दिन मंदिर भी नहीं जा पाया, इसीलिए क्या कि दोस्तों 9-10 बज जाता है हमको वहाँ भी, वहाँ से आते हैं तो दोस्तों ब्रश करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों सीधा सोते हैं, फिर इसलिए दोस्तों थोड़ा इसलिए मंदिर नहीं जा पाया। लेकिन दोस्तों जब हमारा थोड़ा काम मतलब नाइट वाला ख़त्म हो जाएगा ना, तब उसके बाद हम दोस्तों जो फिर आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो तैयार है कि हमको मौका मिलेगा 8 बजे 9 बजे तक वहाँ पे जाना पड़ेगा सुबह में, तो भी इसलिए थोड़ा मौका कम मिला है। लेकिन वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा के लिए आपके लिए वीडियो अच्छा से अच्छा बनाता रहूँ। मैं दोस्तों लाऊँगा भी वीडियो, लेकिन दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारा, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है यार। अगर सपोर्ट करोगे तो बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों अभी बाग में ही बैठे थे, मैं देख सकते हैं, तो इस साइड में भी चल रहे हैं बाग में और आगे चल रहे हैं अभी, तो गाइस देख सकते हैं। तो मैं भी आया हूँ, ये पानी का टंकी है, मतलब मशीन कहीं और है, पाइप ऐसे आया देख सकते हैं ये, तो मतलब मशीन कहीं और है, टंकी मतलब पहले यहाँ पे मशीन थी बगल में ही, तो अभी दूसरी जगह हुआ है, तो मशीन ये मतलब टंकी यहीं पे है। तो अब बहुत देखते होंगे, बहुत जगह पे टंकी नहीं बनता है, केवल मशीन ही रहता है, ऐसा पाइप लगाया जाता है, और ये टंकी वाला ज़माना ही खत्म हो रहा है दोस्तों। क्या ये पहले का टाइम बहुत अच्छा लगता था इसमें नहाने में, बहुत अच्छा पानी, गर्मी का टाइम जब मशीन चलता था ना, बहुत अच्छा लगता था नहाने में। तब दोस्तों ऐसा बहुत कम दिखता है, चाहे जहाँ हमारे यहाँ नहीं, आप लोग चाहे जहाँ भी देखेंगे बहुत कम ही दिखेगा आपको टंकी तुड़वा के, मतलब ये केवल पाइप ही का सिस्टम है, पानी सीधे खेत में जाएगा। पहले तो दोस्तों नाली से जाता था, अब तो पाइप से जाता है। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर बैठूँगा, थोड़ा बहुत ठंडा मिलेगा, और इसलिए मैं आया अभी। तो यार पानी में मतलब पैर इसमें डाल के बैठने से बहुत अच्छा लगता है, ठंडक मिलता है। तो अभी चल रहा हूँ बैठने के लिए, देख सकते हैं, तो इसमें मैं पैर डाल के बैठूंगा ना, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। पहले के टाइम में इसमें दोस्तों अगर गांव में होता था ना, जिसके किसी के यहाँ मशीन होता था, तो गांव में जब होता था तो दोस्तों पूरा गांव के आदमी इसमें नहाने के लिए आते थे और कपड़ा धोने के लिए आते थे। तब तो दोस्तों ऐसा सिस्टम है नहीं है, क्या है कि हर जगह जगह घर में छोटा छोटा टुल्लू मतलब लग गया, सबके घर में है, ऐसा नहीं किसी के घर में नहीं होगा। तो हमारे घर में तो नहीं दोस्तों, हमारे तो नल है, ये टुल्लू नहीं है, तो देख सकते हैं। तो पहले के टाइम में यहाँ मतलब ऐसे होता था कि पूरा गाँव का आदमी इकट्ठा होते थे, नहाते थे और यहाँ पर कपड़ा धोते थे, और उसके बाद बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो दोस्तों ऐसा ज़माना ही ख़त्म हो रहा है अब, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे है ऐसा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जहाँ जहाँ पे है बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो अभी मैं इसमें पैर डाल के देख सकते हैं बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मौका मिलता है ना नहाने के लिए, टंकी अगर मशीन चलता रहता है नहाने के लिए बहुत मज़ा आता है, तो केवल बाल्टी ले लो, लोटा ले लो, उसी से नहाओ, तो अब ऐसा डुबकी लगाने का मिलता ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता। अब टंकी वाला ज़माना ही जा रहा है यार, अब सब लोग मतलब पता नहीं क्या नहीं बनवाते, अच्छा नहीं लगता होगा शायद मेरे लिए, मतलब वो मेरे लिए नहीं, उन सबको अच्छा नहीं लगता होगा। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पे बैठा था, थोड़ा बहुत पैर भी मतलब धुल लिए ऐसे, तो और अब चल रहे हैं घर पे।
तो मैं घर पे चल रहा हूँ यार, देख सकते हैं अभी रास्ते में ही हूँ और बाग से आ रहा हूँ अभी उधर ही से। तो मैं अब घर पे चल रहा हूँ यार। हमारे यहाँ तो मौसम ख़राब हो रहा है यार, और गेहूँ काटने लायक हो गया और मौसम तो दिन पर दिन ख़राब हो रहा है। मतलब 2 दिन मौसम साफ होता है तो तीसरे दिन मौसम ख़राब हो जाता है, बादल आसमान में दिखने लगते हैं। थोड़ा डर, मतलब भगवान तो ऐसा करें, डर सबके अंदर डर बसा दे रहे हैं कि इस बार गेहूँ काटने को मिलेगा या खेत में पूरा पूरा सड़ जाएगा बारिश से। लेकिन शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर जब बादल छाता है आसमान में बहुत डर लगता है। वो कहा कि किसान का ये साल भर का कमाई होता है, तो अगर इसको किसान काट नहीं पाएगा, सही से रख नहीं पाएगा तो दिक्कत होता है दोस्तों। इससे साल भर का उनका खर्च चलता है और इसी से पेट पलता है। जिसके जिसके यहाँ, मतलब जिसके पास खेत है, जिस बेचारे के यहाँ खेत नहीं होगा, जिन लोग के पास, वो लोग तो समझते होंगे डेली खरीद के खाना। और अगर ये दोस्तों अगर हो जाता है जो खेत में है, तो दोस्तों साल भर के लिए टेंशन फ्री होता है ना, तो गेहूँ खरीद के ना चावल। अगर दोस्तों ऐसा बारिश हो जाएगा ना तो बड़े दिक्कत हो जाएगा यार सबको। हम लोग को भी प्रॉब्लम, मतलब हम ही को नहीं, सबको प्रॉब्लम होगा जिनके पास गेहूँ है, मतलब सब चीज़ है। तो देख सकते हैं दोस्तों आसमान में आज भी बादल छाए हुए यार, पूरा का पूरा मौसम एकदम देखते हैं बादल से। अभी ठंडा मौसम है यार, देख रहे हैं आपको धूप नहीं दिखता होगा, बिल्कुल एकदम छांव दिख रहा है अभी आपको, धूप नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। और गेहूँ दोस्तों एकदम पूरी तरह से पक चुका है, और गेहूँ एकदम, मतलब 2-3 दिन के अंदर शायद हमारे यहाँ गेहूँ कटना शुरू हो जाए। कहीं कहीं पे कट रहा है लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं कट रहा है, लेकिन पूरी तरह से गेहूँ पक चुका है यार, दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं इस साइड में पूरा का पूरा गेहूँ एकदम से यार पक चुका है। तो शायद इसी बादल देख के वैसे ना, शायद अभी सब लोग गेहूँ नहीं काट रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं काट लें तो बारिश हो जाए। तो मैं यार अब घर पर चल रहा हूँ अभी। सो फ्रेंड में देख सकते हैं मंदिर में पहुँच चुका हूँ यहाँ, और मंदिर आज भी खाली पड़ा, कोई है नहीं यहाँ पे, पूरी तरह से कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए सब, गाँव छोड़ गए, पता नहीं दिख नहीं रहा है कोई यार। मैं सोचा मंदिर पे कोई होगा तो वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे से एंजॉय करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं उन लोग से, तो कोई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए यार। अभी मौसम भी ख़राब है इस वजह से, काहे कि इसलिए नहीं दिख रहे हैं ना, अभी महुआ का टाइम है तो लोग बाग में चले जाते हैं महुआ बीनने के लिए। मतलब गाँव में ही है 2-3 पेड़ है महुआ का, तो उसी साइड में वहीं पर होंगे, तो वहीं सब खड़े रहते हैं, मतलब रहते हैं, जैसे जैसे महुआ गिरता है ना दौड़ दौड़ के बीनते रहते हैं, वहीं पे होंगे। तो मैं भी मंदिर पे आया, सोचा होंगे तो उनके साथ वीडियो बनाएंगे, तो भी कोई है ही नहीं, तो भी क्या बताएं। तो अब उन लोग से देखो मिलते हैं एक आध दिन और, कोशिश करते हैं उन लोग को ढूंढेंगे, तो अभी तो है नहीं, है महुआ का सीज़न है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मैं भी अपना घर पर चल रहा हूँ यार, अब घर पर चलूँगा, अब 4 बजने वाले हैं, तो अभी तैयार होऊंगा। तो मैं आपको दूध दिखा दूँ दोस्तों, आज कितना ज़्यादा ख़राब मौसम हो रहा है, बादल कितना घना छा रहे हैं दिखा रहे हैं आपको। तो यार देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना बादल दिख रहा होगा आसमान में आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा खतरनाक दिख रहा है यार। ऐसे लग रहा है कि बारिश हो जाएगा, लेकिन अभी तो बारिश होने का संभावना है, लेकिन मौसम ठंडा हुआ है आपको, आसमान दिखा रहे हैं पूरा बहुत ज़्यादा बादल छाया हुआ, बहुत घना घना। इस साइड में तो मौसम कुछ साफ है, लेकिन इस साइड में देख सकते हैं बहुत काला काला बादल दिख रहा है, और ऊपर भी देख सकते हैं ये पूरी तरह से बारिश का ही बादल दिख रहा है। हो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम हो रहा है देख कर, ये आदमी डर रहे हैं, किसान लोग डर रहे हैं, तो बारिश हो जाएगा ना बड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा यार, क्या बताएं। मौसम तो अभी साइड, मतलब इस टाइम पता नहीं कैसा हो गया है कि हर 2-3 दिन बाद बारिश ही हो रहा है हमारे यहाँ, पता नहीं। वो दोस्तों आप लोग क्या हो रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं अब चल रहा हूँ अपने घर पर, गाइस तो मैं अपने घर पर पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं। तो अभी हमारे घर पर बना है आलू का कचालू लगती है, तो भी मैं देख सकते हैं हमारे घर में आलू का कचालू बनाइए, तो भाई चल रहे तो थोड़ा बहुत खाएँगे, और बहुत अच्छा लगता है आलू का कचालू भी, टाइम है, खाने का सीज़न है, नहीं तो जब गर्मी ज़्यादा हो जाता है ना बहुत दिक्कत होता है खाने में, तबीयत ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ठंडा मौसम है तो इसलिए बन जाता है कभी खाने के लिए। तो अभी मैं दोस्तों खाने चल रहा हूँ, गाइस मैं खा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा तीखा था, अभी पानी नहीं पिया हूँ, चल रहा है पानी पीने चल रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मीठा खाऊँगा, मतलब गुड़ खाऊँगा, तो उसके बाद थोड़ा जो तीखा है ना वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो यार हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले ब्लॉग में, जय।